नमस्कार साथियों, EBS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है। EPFO ने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है कमांडर अशोक रावत जी को कि आप आइए और हमारे साथ में मीटिंग करिए। जी हां साथियों, ऑफिशियल लेटर EPFO के ऑफिशियल लेटर पर इस तरह का आमंत्रण पहली बार दिया गया है कमांडर अशोक रावत जी को। अभी तक तो खुद कमांडर अशोक रावत जी और NSC दल EPFO श्रम मंत्री को अप्रोच कर रहा था, उनसे मुलाकात कर रहा था, लेकिन पहली बार हुआ है कि EPFO ने खुद लेटर जारी कर NSC दल और कमांडर अशोक रावत जी को आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारे साथ में वार्ता करिए। तो साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं ये वो ऑफिशियल लेटर है जो EPFO ने जारी किया। आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पर यह छपा है 31 जुलाई 2024 को ही, और एड्रेस किया गया कमांडर अशोक रावत जी, नेशनल प्रेसिडेंट EBS 95 नेशनल एग्रीडेशन कमिटी उल्डाना। तो साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट मांगा जा रहा है कमांडर अशोक रावत जी को। साथियों, हम सब जानते हैं जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है और लाखों की संख्या में पेंशन वहाँ पर मौजूद है और विधानसभाओं के चुनाव भी आने वाले हैं। तो इसी के दबाव के फलस्वरूप EPFO ने अब इनको आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारे साथ में वार्ता करिए। तो इस लेटर में यहाँ पर लिखा है, देखिए सर, दिस हैज़ रेफरेंस टू योर लेटर एंड ईमेल डेटेड 1/7/2024, 16/7/2024 एंड 17/7/2024 एंड दिस ऑफिस लेटर नंबर पेंशन 2020 डेटेड 24/7/2024 को इन्होंने रेफरेंस लेते हुए इनसे बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली रिकंसीडर दैट यू हैव बीन इन अ कम्युनिकेशन विद EPFO एंड MLO कंसिस्टेंटली रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज pertaining to EPS 95 and have been receiving prompt replies consistently। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि आप लगातार EPFO के साथ में कम्युनिकेशन में हैं, EPS 95 के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर, और EPFO ने भी समय समय पर उसका रिप्लाई आपको दिया है। Accordingly, we request you to please come and meet EPFO officers for discussion and deliberation on various issues at following address tomorrow, yani ki 1st of August 2024 at 2 p.m. Address is plate B 3rd floor, office block 2nd, NBCC Tower, East KDY Nagar, New Delhi। तो साथियों, आप देख सकते हैं इन्होंने आमंत्रित किया है कमांडर अशोक रावत जी को 1 अगस्त 2024 को 2 बजे आकर EPFO ऑफिस न्यू दिल्ली में मिले अपने दल के साथ में और वार्ता करें कि EPS 95 के जितने भी मुद्दे आप मांग रहे हैं उसके बारे में सार्थक चर्चा की जाए। तो साथियों, ये पहली बार हुआ है कि EPFO ने अपने ऑफिशियल लेटर पर कमांडर अशोक रावत जी और NSC दल को आमंत्रित किया है वार्ता करने के लिए। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है क्योंकि ऑफिशियली इस तरह का लेटर जारी करना बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है ये पेंशनरों के आंदोलन और NSC के दबाव के कारण हो सकता है, और आगे विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, इसलिए सरकार का भी दबाव होगा कि आप कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर करिए। तो साथियों, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ मैंने साझा की है। अब इस वार्ता के बाद में क्या निकल कर आया है वो भी मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूंगा। क्या न्यूज़ निकल कर आई है इस बैठक के बाद में, क्या EPFO ने और NSC ने निर्णय लिया है? तो साथियों, इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।